गुड मॉर्निंग बच्चों। तो हम लोग समांतर श्रेणी चैप्टर एनसीईआरटी 10th के जो आपका वीडियो है, आपका जो चैनल है अपना संकल्प, उस पर पढ़ रहे थे। बच्चों आप लोग जरूर मैथ जो एनसीईआरटी जो पढ़ रहे हैं उसका फेयर जरूर बनाइएगा। आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो पढ़ रहे हैं वह केवल देख के आप संतुष्ट नहीं होइएगा, आप जरूर उसका एक एक प्रश्न अपने कॉपी पे बनाइएगा। और जब बनाइएगा तो दो काम होगा, एक तो आपको खुद से समझ में आएगा और उसका रिवीजन भी होगा, और जब कभी आपको देखने की इच्छा होगी तो आपके पास एक नोट्स भी उपलब्ध रहेगा। तो आज हम इसका क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। इसमें है कि 10 और 250 के बीच 4 के कितने गुणज है। इस तरह का प्रश्न हम कल भी पढ़े थे जिसमें 7 के बारे में पढ़े थे। तो आप 10 से 250 के बीच में 4 के गुणजों से बना एपी पहले नोट करेंगे, और वह एपी होगा कि 10 के बाद 4 से कौन संख्या कटती है, तो सबसे फर्स्ट संख्या जो 4 से कटती है वह 12 है, और फिर 4 से कटने वाला 16, 20 इस तरह की संख्याएं होंगी, और फिर सबसे लास्ट में आप जानते हैं कि 4 का विभाज्यता का नियम कहता है कि उसका आखिरी जो दो अंक होता है, जैसे यहां 50 है, वह 4 से विभाजित होना चाहिए। तो आप देखते हैं कि 50 4 से नहीं कटता है, फिर कम करेंगे 249, वह भी आपका 49 4 से नहीं कटेगा, और सबसे उसके पहले 248 उसका जो लास्ट अंक है 248 वह 4 से विभाजित होता है, अर्थात इसका सबसे पहला अंक होगा 10 के बाद 12, और 250 के बीच वाले में लास्ट अंक होगा 248 जो 4 से विभाज्य है। इसको आप कल जो वीडियो देखे थे उसके हिसाब से भी हल कर सकते हैं कि 10 में आप 4 से भाग देके और 10 से वह बड़ी संख्या ज्ञात कर सकते हैं जो 4 से कटने वाला, फिर आप 250 से छोटी संख्या ज्ञात कर सकते हैं जो 4 से विभाजित है। तो इसको खुद से भी प्रैक्टिस करके आप देखेंगे तो आपको यह समझ में आएगा। और अब यहां देखते हैं कि a बराबर आपका 12 है पहला पर, और d बराबर 4 है, चूंकि 4 का गुणज है तो सबका डिफरेंस 4 4 है, और अंतिम पद an आपका 248 है। तो आपको निकालना है कितने गुणज है यानी n की संख्या, तो आप सूत्र प्रयोग करेंगे an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू d, और इसमें an के जगह 248, a के जगह पर 12, d के जगह पर 4 रखेंगे, 12 को इस साइड लाएंगे तो माइनस 12, n माइनस 1 इंटू 4, यह घटा के आपको आएगा 236, और यह गुना में जो 4 है वह बटा में आएगा, तो बटा में 4, तो n माइनस 1 बराबर होगा 4 से 236 कटेगा, कितनी बार, 59 बार में यह आपका कट जाएगा, और यह आपका n बराबर होगा 59 प्लस 1 यानी कि 60, तो यानी कुल गुणजों की संख्या आपको 60 आएगी। तो लास्ट में आप लिख भी सकते हैं कि 4 के गुणजों की संख्या बराबर 60। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो 15 नंबर क्वेश्चन है वह कहता है कि n के किस मान के लिए दो समांतर श्रेणियों 63, 65, 67 डॉट डॉट और 3, 10, 17 डॉट डॉट के nवें पद बराबर होंगे। तो आपका दो एपी दिया है, पहला एपी इतना है, तो इसमें a बराबर 63 है, d बराबर 65 माइनस 63 बराबर 2 है, तो इसका पहले हम एनवा पद ज्ञात करते हैं। एनवा पद यानी an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू d, a के जगह पर 63, d के जगह पर 2 रखेंगे, ये मल्टीप्लाई होके होगा 2n माइनस 2, और 63 में से 2 घटेगा तो 61 प्लस 2n आपको पहला एपी का एनवा पद ज्ञात हुआ। अब दूसरा एपी दिया है 3, 10, 17, a बराबर 3, d बराबर 10 माइनस 3 यानी कि 7, तो इसका एनवा पद निकालेंगे, a के जगह पर 3 और d के जगह पर 7 रख के मल्टीप्लाई होगा तो 7n माइनस 7, तो यहां पर आप देखते हैं कि 3 में से 7 घटाने पर माइनस 4 आता है, इसलिए 7n को ही पहले रखेंगे और माइनस 4 को हम बाद में रखेंगे। तो प्रश्नानुसार आपको कहता है कि दोनों का एनवा पद बराबर है यानी 61 प्लस 2n और 7n माइनस 4 को बराबर कर देना, तो यहां हुआ 61, अब माइनस 4 इस साइड आया तो प्लस 4, और 2n इस साइड गया तो माइनस 2n, तो आपको क्या आया 7n माइनस 2n बराबर 5n और 61 प्लस 4 बराबर 65, तो n बराबर आपको होगा 65/5 यानी कि 13। अब इसका 16वां प्रश्न है
कि वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है और सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है। तो तीसरा पद 16 दिया है और तीसरा पद को हम ए प्लस टू डी लिखते हैं, तो ए प्लस टू डी बराबर 16 और सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है, यानी ए सेवन माइनस ए फाइव बराबर 12 होगा। तो अब ए सेवन के जगह पर ए प्लस सिक्स डी, ए फाइव के जगह पर ए प्लस फोर डी बराबर 12। जब ये घटाएंगे तो माइनस ए होगा, तो ए से ए कटेगा और ये माइनस फोर डी होगा, तो 6d माइनस 4d बराबर 2d बराबर 12। तो d बराबर आपका आया 12/2 यानी कि 6। d का मान जब निकल जाएगा तो आप समीकरण एक में d का मान रखेंगे तो a प्लस 2 इंटू 6 बराबर 16, तो a बराबर होगा 16 माइनस 12 बराबर 4। तो अब आपको एपी ज्ञात करना है और एपी क्या होता है, ए ए प्लस डी ए प्लस टू डी, इस तरह से आप एपी के पदों को ज्ञात करते हैं। तो ए बराबर आपका है 4 प्लस डी का मान 6, फिर 4 प्लस 2 इंटू 6, फिर 4 प्लस 3 इंटू 6, इस तरह से आप लिखेंगे। तो यहां होगा 4, फिर 10, फिर ये हो गया 6 × 12 = 16। इस तरह से अन्य पदों को आप ज्ञात कर सकते हैं और आपका यही आपका आंसर है। अब अगला प्रश्न है 17वां कि एपी 3813.253 में अंतिम से 20वां पद ज्ञात कीजिए। तो इस प्रश्न में एपी दिया गया है 3813.253। जनरल तरीके से हम इसको पहले बना लेते हैं, जो आप लोग पढ़ रहे हैं उसी तरीके से पहले बनाते हैं, फिर इसको दूसरे तरीके से भी हम आपको बना के दिखाएंगे। तो ए बराबर है आपका 3, डी बराबर होगा 8 - 3 यानी कि 5, और ए एन यानी अंतिम पद 253 है, और ए एन बराबर इसका अंतिम से 20वां पद ज्ञात करने के लिए कुल पदों की संख्या आपको ज्ञात करना आवश्यक है। और इसके लिए आप ए एन का फॉर्मूला लिखेंगे और ए एन का वैल्यू पुट करेंगे, ए का और डी का वैल्यू पुट करेंगे, यह 3 इस साइड आएगा तो -3, और यह जो 5 है वह इसके बटा में आएगा, तो 253 -3 250 बटा 5, यह आपका कट के होगा 50, और n बराबर होगा 50 + 1 यानी 51। अब ध्यान देंगे यहां कि कुल पदों की संख्या आपका 51 है और अंतिम से 20वां पद ज्ञात करना है। तो अंतिम से 20वां पद बराबर होगा प्रारंभ से टोटल पदों की संख्या -20 और प्लस 1वां पद, यानी ये हो गया आपका 51 - 20 = 31 और प्लस 1 32वां पद होगा, यानी शुरू से जो 32वां पद होगा वही आपका अंत से 20वें पद के बराबर होगा। तो आपका ए 32 निकालना है, तो ए 32 बराबर ए प्लस 31d, और ए और डी का वैल्यू पुट करेंगे और इस तरह से आपको 158 आंसर प्राप्त हो जाएगा। अब जो हम सवाल पढ़े हैं 17वां नंबर, उस 17वें नंबर सवाल को हल करने में जो हमने प्रयोग किया है उसको पहले समझ लीजिए कि जैसे आपको 5 व्यक्ति का समूह है, अब इसमें आपको कहेगा कि अंतिम से दूसरा, तो अंतिम से जो दूसरा है वह प्रारंभ से कैवा होगा, इसको आप कैसे ज्ञात करते हैं। तो अंतिम से दूसरा बराबर होगा प्रारंभ से, टोटल कितना था 5, इसमें से जो अंतिम से है उसको माइनस कर देंगे और प्लस 1 करना होगा, यानी क्या होगा ये 5 - 2 + 1 यानी 3 + 1 यानी प्रारंभ से चौथा। तो यहां पर भी आप देख सकते हैं कि प्रारंभ से पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा जो है वही अंतिम से दूसरा। अब आप 17 नंबर प्रश्न को दूसरा विधि से, इसका जो सेकेंड मेथड है उसको भी समझ लीजिए क्योंकि यह उससे आसान है और इस तरह से भी आप बनाएंगे तो आपको पूरा अंक प्राप्त होगा। तो यहां पर a बराबर 3 था, d बराबर 8 - 3 यानी 5 है, और an यानी अंतिम पद आपका 253 है। तो चूंकि अंतिम से 20वां पद ज्ञात करना, यानी आपको इधर से काउंटिंग करनी है, तो आपको इधर से a बराबर क्या होगा 253 होगा प्रथम पद अंतिम से गिनने पर, और यहां पर यह ध्यान रखना है कि d जो है आपका वह जो 5 था वह -5 होगा, उसका चिन्ह बदल जाएगा, यदि d यहां पर निगेटिव होगा तो पॉजिटिव होगा। जैसे इधर से आप 8 में से 3 घटाए तो d बराबर 5 होगा,
आप वो तीन में से आठ घटाइएगा तो माइनस पांच होगा, तो इसका चिन्ह बदल दीजिएगा तो डी प्राप्त हो जाएगा। और तब आप सीधा अंतिम से बीसवां पद निकाल सकते हैं, ए ट्वेंटी बराबर ए प्लस उन्नीस डी होता है, और ए के जगह पर 253 प्लस 19 इंटू डी का वैल्यू माइनस पांच रखिएगा, तो 253 माइनस 19 में 5 से गुणा करने पर 95, और ये घट के आपको आएगा 158, जो उस तरह से भी आंसर आया था यहां पर भी उसी प्रकार से आंसर प्राप्त होता है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वह प्रश्न संख्या 18 है कि किसी एपी के चौथे और आठवें पदों का योग 24 है और छठे और दसवें पदों का योग 44 है, तो एपी के प्रथम तीन पद ज्ञात कीजिए। तो आपको चौथा और आठवां पद का योग 24 दिया है, तो ए फोर का मतलब ए प्लस थ्री डी या ए एट का मतलब ए प्लस सेवन डी, जोड़ेंगे तो ए ए मिलके 2a और ये दोनों मिलके 10d, दो कॉमन आ जाएगा तो ए प्लस 5d और ए प्लस 5d बराबर 24/2 यानी कि 12 प्राप्त होता है, और इस प्रकार यह समीकरण एक होगा। फिर है कि छठा पद और दसवां पद बराबर 44, छठा पद का मतलब a प्लस 5d और a 10 बराबर a प्लस 9d, प्लस होगा तो a a मिलके 2a और ये दोनों मिलके 14d, दो फिर कॉमन आएगा तो a प्लस 7d और a प्लस 7d बराबर 44/2 यानी कि 22, दो समीकरण प्राप्त हो गया। अब पहले जैसे हम लोग हल किए थे उसी तरह समीकरण दो में से समीकरण एक को घटाएंगे, ए से घटेगा कट जाएगा, 7d माइनस 5d बराबर 2d और इधर 22 माइनस 12 बराबर 10 यानी कि d बराबर होगा 10/2 यानी कि 5, d का मान निकल जाएगा, तो समीकरण एक में d का मान रखेंगे a प्लस 5 इंटू डी का मान 5 बराबर 12, तो ये 25 उस साइड जाएगा तो 12 माइनस 25 यानी a बराबर माइनस 13। तो एपी का प्रथम तीन पद क्या होगा, पहला पद a, दूसरा पद d जोड़ेंगे, तीसरा पद में दो बार d जोड़ेंगे तो माइनस 13 और फिर माइनस 13 प्लस 5 और माइनस 13 प्लस 2 इंटू 5, तो यहां हुआ माइनस 13, ये मिलके माइनस 8 और ये हो जाएगा आपका माइनस 3। अब इसका 19वां प्रश्न, सुब्बा राव ने 1995 में 5000 रुपए के मासिक वेतन पर कार्य प्रारंभ किया और प्रत्येक वर्ष 200 रुपए की वेतन वृद्धि प्राप्त की, तो किस वर्ष में उसका वेतन 7000 रुपया हो गया। तो 1995 में उसका वेतन था 5000 रुपया और हर साल उसको 200 रुपए की वेतन वृद्धि मिली, तो निकालना है कि किस वर्ष उसका वेतन 7000 रुपया हो गया। तो आप देखेंगे कि प्रत्येक वर्ष उसका मासिक वेतन कितना कितना होता है, क्रमशः क्या होता है वो हम लिख रहे हैं। सबसे शुरू में 5000 था उसका मासिक वेतन, एक साल के बाद वह उसका वेतन 200 रुपया प्लस होके 5200, फिर 200 प्लस होके 5400 और सबसे लास्ट में यानी कि आपको जो निकालना है उस वर्ष में 7000 रुपया उसका मासिक वेतन हो जाता है। तो यानी कि यह एपी का पद है और क्योंकि यह डिफरेंस हमेशा 2200 का है तो ए बराबर है यहां 5000, डी बराबर है 2200 का डिफरेंस है तो 5200 माइनस 5000 यानी 200 और अंतिम पद है आपका 7000। तो आप ए एन का जो फॉर्मूला था उसको यूज करेंगे और ए एन का ए का और डी का मान रखेंगे, 5000 इधर आएगा तो माइनस 5000 और यह घट के 2000 और ये दो गुना में जो था सो बटा में ये कटेगा 10 बार में, तो एन बराबर होगा 10 प्लस 1 यानी 11 यानी 11वें वर्ष उसका वेतन 7000 रुपया प्रति माह हो जाएगा। अब जो इस चैप्टर का सबसे लास्ट प्रश्न है वो हम पढ़ रहे हैं कि रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 5 रुपए की बचत की और फिर अपनी साप्ताहिक बचत 1.75 रुपया बढ़ाती गई, यदि 90वें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत 20.75 रुपया हो जाती है तो एन ज्ञात कीजिए। तो प्रथम सप्ताह में उसका बचत था 5 रुपया, साप्ताहिक बचत में वृद्धि होती जा रही है 1.75 रुपया, माने हर सप्ताह 1.75 रुपया उसका बचत बढ़ रहा है और 90वें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत हो जाती है 20.75 यानी उसकी साप्ताहिक बचत प्रति सप्ताह क्रमशः होती जाएगी, पहले 5 रुपया बचाई
फिर उसके बाद 1.75 उसका बचत बढ़ेगा, फिर 1.75 इसमें जोड़ेंगे और अंत में उसका बचत 20.75 हो जाएगा, जो एपी के पद में है, क्योंकि प्रति सप्ताह उसका बचत एक ही समान बढ़ रहा है, इसलिए एपी का पद है। ए बराबर 5 है, डी बराबर 1.75 है, जो प्रति सप्ताह उसकी बचत में वृद्धि हो रही है, और अंतिम सप्ताह का बचत 20.75 ए एन है। ए एन का फॉर्मूला यूज करेंगे, ए एन ए और डी का मान रखेंगे, 5 इस साइड में आएगा तो 20.75 माइनस 5 और इसको घटाने पर 15.75 और यह जो आपका गुणा में है वह बटा में आएगा। दशमलव के बाद दोनों में अंक की संख्या समान है इसलिए दशमलव को हटा दिया जा सकता है और यह कटेगा आपका 9 बार में, तो आपका n बराबर होगा 9+1 यानी कि 10 और यही इसका आंसर है। तो बच्चों इसी के साथ यह एक्सरसाइज समाप्त होता है, अगले दिन हम लोग इसका नया एक्सरसाइज करेंगे। आप लोग इसी प्रकार चैनल से जुड़े रहें, चैनल को शेयर करें, लाइक करें और जहां परेशानी आए कमेंट करें। एक बच्चा कमेंट किया था, कुछ प्रॉब्लम थी, उसको कहते हैं कि जरूर आपको जहां परेशानी हो तो उस वीडियो को दोबारा देखें, हो सकता है 99% ये आपका कंफ्यूजन जरूर दूर होगा। धन्यवाद।